हेलो फ्रेंड्स, सीजी मास्टर ग्रुप से मैं सुरुचि आपके लिए एनिमेट सीसी के ट्यूटोरियल्स लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एनिमेट सीसी में लिपसिंग करना सिखाऊंगी, करेक्टर्स की जो लिपसिंग होती है। तो स्टार्ट करते हैं, वॉवल्स पे हम वर्क करेंगे। तो पहला जो मैं वर्ड, पहले जो मैं लिप्स बनाऊंगी, तो वो मैं करूंगी एन से, यानी कि एन फॉर नॉर्मल। पहले हमारा नॉर्मल लिप्स किस तरह से क्रिएट किया जाता है ये आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो लिप्स बनाने के लिए मैंने लाइन टूल लिया और लाइन का साइज मैं थोड़ा सा थिक कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली उसमें दिखाई दे। अब ये हमने पहले एक स्ट्रेट लाइन खींची और विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट टूल मैं इसे थोड़ा सा कर्व कर दे रही हूँ, लाइन की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा दे रही हूँ, थ्री कर दे रही हूँ, ठीक है। टूल की हेल्प से ही मैं इसे यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एन से एक नॉर्मल लिप्स सिनेरिक तैयार हुआ है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल लिप्स का सिंबल है। अब मैं नेक्स्ट बनाती हूँ, इसी को ही मैं कॉपी करके ऑल्ट के साथ एक कॉपी निकाल के नीचे पेस्ट कर ले रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें वॉवल्स को स्टार्ट करूँगी। तो पहला वॉवल मैं लेती हूँ ए, ठीक है। ए यानी कि छोटा जो है वो किस तरह से हम बोलते हैं, तो उसकी लिप्स की शेप कैसे बनेगी देखिए। नॉर्मल लिप्स तो है ही, इसके अलावा हमें सिर्फ यहाँ पर एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। शेप टूल से मैं इसको चेंज कर दे रही हूँ, अब ये इधर से, ठीक है। हमें कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है, इसे बिल्कुल बंद करना है। सेटिंग मैं थोड़ी सी यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ, ठीक है। और मैं पेंट बकेट टूल से अंदर लिप्स में कोई डार्क कलर फिल कर दे रही हूँ। अंदर जैसे मुखिया अंधेरा सा होता है तो डार्क कलर होता है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर फिल कर दी है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ जब ए बोलते हैं तो थोड़े से हमारे लिपसिंग में सेट कर दिया मैंने थोड़ा सा यहाँ पे। मैं चाहती हूँ जब ए बोलते हैं तो हमारे थोड़े से हल्के से टीथ दिखाई देते हैं, तो मैं यहाँ पर एक टीथ की शेप ड्रॉ कर ले रही हूँ। लाइन थोड़ी सी मैं पतली कर ले रही हूँ, मैं बिल्कुल कॉर्नर से नहीं, थोड़ा इस साइड से हटके टीथ की शेप को ड्रॉ करूँगी। और लास्ट में भी बिल्कुल कॉर्नर से नहीं मिलाऊंगी, थोड़ा सा पहले से ही मैं इसे बंद कर दे रही हूँ ताकि एक लुक अच्छा आए हमारा टीथ का। ये जो लिप्स के सारे स्नैरिक्स बनाने हैं ये आपको खुद बनाने होंगे, खुद ड्रॉ करने होंगे। ये कहीं पर भी किसी भी सॉफ्टवेयर में बने बनाए नहीं मिलते हैं, इसे आपको अपने करेक्टर के अकॉर्डिंग ये खुद ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। टीथ पे मैंने वाइट कलर फिर कर दिया और इसकी आउटलाइन जो है वो मैंने डिलीट कर दी है। मैं यहाँ से थोड़ा सेट कर ले रही हूँ इसको, ठीक है।
अब जब हम टीथ देखते हैं तो थोड़ी सी हमारे नीचे लिप्स भी, जो सॉरी टंग होती है, जीभ होती है, वो भी दिखे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जीभ की शेप, एक टंग की शेप को ड्रॉ कर ले रही हूँ। थोड़ा सा सेट कर ले रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें मैं कलर फिल कर दे रही हूँ टंग का, कुछ पिंक सी या रेडिश सी होती है, तो ये कलर मैं फिल कर दे रही हूँ। और इसकी जो आउटलाइन है इसे भी मैं डिलीट कर दे रही हूँ। ठीक है, ये हमारा ए बोलता हुआ आ छोटा आ जिसे कहते हैं, उसकी लिप्स ये तैयार हुई है। अब मैं इसी को ही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर ले रही हूँ। और नेक्स्ट वॉवल अब मैं लेती हूँ इसमें ई का, तो टेक्स्ट टूल की हेल्प से इसको अब मैं कर दे रही हूँ ई। ठीक है, अब ई ई के लिए बोलते टाइम हमारे लिप्स थोड़े से यहाँ से हमें थोड़ा सा इसे पिचकाना है, और जब होंठ यहाँ से थोड़े कम होएंगे तो इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी चौड़ी होएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो कलर है ये टोटल, जब ई हम बोलते हैं तो अंदर के मुँह का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, हमने ये सब वाइट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लाइन टूल की हेल्प से बीच में एक छोटा सा इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी शेप बन गई है ई की। एन ए और ई, मैं ए वाले जो लिप्स हैं इसी को ही मैं कॉपी करके नीचे ला रही हूँ, और इसका अब नेक्स्ट शेप बनाऊंगी ओ ए ई आई का, आई हमारा जो नेक्स्ट वॉवल होता है ए ई और उसके बाद आई। आई बनाने के लिए ए वाले लिप्स को ही मैंने पकड़ के रखा है नीचे, कॉपी किया है, और इसी पे ही मैं वर्क करूँगी। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके मैं इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर दे रही हूँ, बड़ा कर दे रही हूँ। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे सेट कर दिया ये मैंने। ठीक है, और ये जो कलर है इसको मैं हटा दे रही हूँ, और यहाँ पर मैं अंदर सेम कलर फिल कर ले रही हूँ जो हमारे माउथ का है, ये चीज। ठीक है, टीथ वाले पोर्शन को मैंने नहीं हटाया है। तो अब जब आई बोलते हैं तो हमारे ऊपर के और नीचे के दोनों दांत थोड़े थोड़े से दिखते हैं, तो नीचे भी मैं थोड़ा सा टीथ का इसका शेप दे दे रही हूँ, वाइट कलर फिल कर दे रही हूँ, आउटलाइन में इसकी हटा दे रही हूँ। और जब हम आई बोलते हैं तो टीथ दोनों साथ साथ, बीच में हमारी छोटी सी टंग भी दिखती है, हल्का सा टंग का पार्ट दिखता है, तो उसी को ही मैं एक बार इसमें ड्रॉ कर दे रही हूँ। और इसमें कलर मैं टंग वाला ही फिल कर ले रही हूँ, जो ऊपर हमारी टंग में कलर था उसी को ही मैं आई ड्रॉपर टूल से वही कलर मैं पिक करके इस पे फिल कर दूँगी, ये चीज। आउटलाइन इसकी भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दे रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा आई है।
आपका लिप्स का शेप बन गया है। थोड़ा सा इसे और थोड़ा सा ऐड कर दूँ, ये चीज़ जो है यहाँ पे इस तरह से। तैयार हो गया है आई की लिपसिंग के लिए। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, तो उसके लिए मैं ओ बनाना है अब हमें। तो ओ के लिए मैंने सिर्फ इस वर्ड को कॉपी कर ले रही हूँ, इस पे लिख दे रही हूँ मैं ओ। ठीक है, ओ जो हम बोलते हैं तो शेप थोड़ा सा मुंह का चेंज हो जाता है हमारा। तो इसके लिए मैं ओवल टूल लेती हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल ओ का एक शेप ड्रॉ कर दे रही हूँ। ध्यान रहे परफेक्ट सर्कल नहीं होना है, क्या हमें थोड़ा सा इस तरह से शेप रखना है। कलर मैंने माउथ के अंदर वाला फिल कर दिया है, ये मैं यहाँ से थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दे रही हूँ उसकी, और ये बिल्कुल सर्कल शेप में ना हो, ये आपको थोड़ा सा इस पर सेटिंग करना होगा इस तरह से। और जब हम ओ बोलते हैं तो थोड़े थोड़े से हमारे ऊपर के और नीचे के टीथ का पार्ट शो होता है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे वाइट कर दिया और एक ऊपर वाइट कर दिया। एक्स्ट्रा जो है हमारी लाइन्स उसे मैंने रिमूव कर दिया है। ऐसे सेट कर लूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेंगे यू का पार्ट। नेक्स्ट हमारा जो वोवल होता है, वर्ड होता है, वो होता है हमारा यू का। ठीक है, यू के लिए भी मैंने ओ वाली शेप ली है, इसी तरह से होता है। कलर मैंने अंदर पूरा माउथ वाला फिल कर लिया है डार्क कलर, और इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर दे रही हूँ ये इस तरह से। नाउ मैंने लिया है सिलेक्शन टूल और मैं ऑल्ट की हेल्प से इसको इस तरह से थोड़ा सा कर दे रही हूँ। शेप का बहुत ही ज़्यादा इसमें हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिप्स के शेप तैयार हो गए हैं, एन से नॉर्मल ए ई आई ओ यू के। ठीक है, अब मैं इनको एक करेक्टर पे आपको लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको करेक्टर में करते हैं। उससे पहले हमें ये सारी शेप्स को कन्वर्ट करना होगा सिंबल में। तो मैंने ग्राफिक में मुझे कन्वर्ट करना है, मैंने सिम्स का नाम दे दिया है, मान लीजिए नॉर्मल है तो एन एंड ओके। ऐसे मैंने इस ए वाले को भी, ये देखिए हमारे लाइब्रेरी में ये आते जाएंगे, ऐसे ही हमने ए वाले को भी कन्वर्ट टू सिंबल करा। ग्राफिक में हमने ए नाम लिख के इसे ओके कर दिया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया सिंबल में। ऐसे ही हर वर्ड को हमें सिंबल में ग्राफिक में कन्वर्ट करना है ताकि वो हमारी लाइब्रेरी में स्टोर होता जाए। ठीक है, ये सारे हमारे कन्वर्ट हो गए। अब इस लेयर को मैं डिलीट कर दे रही हूँ या फिर हाइड कर दे रही हूँ। ठीक है, और मैं ये देखिए लाइब्रेरी में ये सारे हमारे पार्ट्स आ चुके हैं। अब मैंने एक फेस पहले से ही ले रखा है,
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बीच में ले आ रही हूँ, थोड़ा सा इसका साइज़ मैं बढ़ा दे रही हूँ। अब ये लिप्स मैं इस करेक्टर पे आपको लगा के दिखाऊंगी। इसके लिए मैं एक और लेयर ले रही हूँ, लेयर 3 नाम से, ठीक है। और इस पर मैं ये सारे लिप्स डायरेक्ट लाइब्रेरी से ला के इस पर करेक्टर के ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। देखिए, फर्स्ट फ्रेम पर मैंने ये वाली लिप्स नॉर्मल वाला पेस्ट किया है। उसके बाद मैं फिफ्थ फ्रेम पे गई, राइट क्लिक करके मैंने एक ब्लैंक 3 फ्रेम लिया, ठीक है। और ब्लैंक की फ्रेम में मैंने दूसरा वर्ड यानी कि ए, इस वाले लिप्स को लाके करेक्टर पे ड्रैग ड्रॉप कर दिया। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये करेक्टर डिवर्क करता है। इसी तरह उसके बाद मैं नंबर 10 पर आई, फ्रेम नंबर 10 पे ब्लैंक की फ्रेम लिया और आई वाला लिप्स मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसको सेट कर लिया। ऐसी फिर मैं आगे फ्रेम पे गई, ब्लैंक की फ्रेम लिया और नेक्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। इसी तरह से मैं ब्लैंक की फ्रेम लेके जब हमें करेक्टर पे कोई वर्ड डालना हो तो उस आपने जो भी वॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने लिप्स जो भी उसमें सूट कर रहा हो वो लाइब्रेरी से आप डायरेक्ट करेक्टर पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा लगेगा जैसे हमारा करेक्टर वॉक टॉक कर रहा है, थोड़ा सा इसके लिप्स एनिमेट हो रहे हैं। मैं अगर प्ले करके दिखाऊं तो इस तरह से हमारा करेक्टर का ऐसा लग रहा है जैसे वो टॉक कर रहा है, बातें कर रहा है, लिप्स को एनिमेट हो रहा है इसे। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में आपको मैंने समझ आया होगा लिप्स को हम किस तरह से एनिमेट करते हैं या लिप्स के सिंबल्स हम कैसे बनाते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।